हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सभी? मैं सुमित कुमार आज आप लोगों को फिर से एक नया चैप्टर के साथ आया हूँ। ठीक है, हम लोग पहले क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले चैप्टर में माउस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या 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 पढ़ लिया है? हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है कंप्यूटर का। हम लोगों ने फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लिया है। उसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में समझा, कीबोर्ड कैसे काम करती है। उसके बाद हम लोगों ने माउस के बारे में जाना, और अभी हम लोग इन सबों को एक साथ, कंप्यूटर को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कंप्यूटर का क्या क्या यूज है, हम लोग इन चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक का क्या नाम है? यूजेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब हम लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट कैन वी डू विद अ कंप्यूटर? हम लोग एक कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं? राइट, आप लोगों ने सोचा होगा क्या किया जा सकता है कंप्यूटर के साथ? जरा सोच के देखिए, आप कंप्यूटर के साथ क्या क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने स्कूल में कंप्यूटर देखा है, आप लोगों ने कंप्यूटर के साथ क्या क्या किया है? क्या हम लोग कंप्यूटर के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग कंप्यूटर के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग कैलकुलेटर की तरह कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेटर भी होता है। ठीक है, फिर हम लोग MS Paint के बारे में जानते हैं। हम लोग MS Paint पे क्या करते हैं? MS Paint को हम लोग ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग MS Paint को? ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। MS Paint को हम लोग क्या करने के लिए? यूजिंग कंप्यूटर फॉर ड्रॉइंग। हम लोग कंप्यूटर को ड्रॉइंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? यूजिंग कंप्यूटर फॉर राइटिंग लेटर। हम लोग कंप्यूटर को लेटर लिखने में भी हेल्प यूज करते हैं ना। आप लोग कंप्यूटर लैब में यूज किए होंगे एमएस वर्ड कभी, तो आपको पता होगा उस पर हम लोग कुछ लिख सकते हैं। तो एज द सेम वे हम लोग कंप्यूटर से लेटर भी लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, कंप्यूटर, यूजिंग कंप्यूटर फॉर कैलकुलेशन। हम लोग कंप्यूटर को कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? गणना। अगर हम लोग किसी भी चीज को जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कैलकुलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर को किन चीजों के लिए यूज करते हैं? कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर को हम लोग ड्रॉइंग के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर को हम लोग लेटर लिखने के लिए यूज करते हैं। चलिए हम लोग और जाने कंप्यूटर के बारे में। चलिए और देखते हैं हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर को हम लोग बिल बनाने में यूज करते हैं। आप लोगों ने कहाँ देखा है बिल कहाँ बनाया जाता है कंप्यूटर से? आप में से काफी बच्चे मॉल गए होंगे, काफी बच्चे किसी अच्छे दुकान पे गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां पे क्या देखे होंगे? कंप्यूटर से ही बिल बनाया जाता है। राइट, तो कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल बना सकते हैं। ओके, यूजिंग कंप्यूटर फॉर गेटिंग एजुकेशन। अच्छा, ये तो आपके सामने एग्जाम्पल है। आप लोग अभी वीडियो किस चीज में देख रहे हो? फोन में। फोन भी एक टाइप का कंप्यूटर है। ठीक है, आप लोग फोन, या तो आप किसी फोन में या तो आप किसी कंप्यूटर में आप अपना वीडियो देख रहे होंगे। तो फोन भी क्या है? एक टाइप का कंप्यूटर है। तो अगर हम लोग कंप्यूटर में पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर से अगर हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने का, पढ़ाई की, पढ़ाई को हम लोग कैसे कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं ना। तो हम लोग कंप्यूटर किसके लिए यूज कर रहे हैं? एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, घर में आप लोगों के पास अगर कंप्यूटर है, या आप लोगों ने स्कूल में भी कंप्यूटर देखा होगा, तो क्या हम लोग कंप्यूटर से गाने सुन सकते हैं? क्या हम कंप्यूटर में मूवीज देख सकते हैं? हाँ, हम लोग कंप्यूटर को मूवीज देखने के लिए यूज कर सकते हैं। यूजिंग कंप्यूटर फॉर वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग सॉन्ग्स। हम लोग कंप्यूटर को मूवीज देखने के लिए भी यूज करते हैं और गाने सुनने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद एक और है, यूजिंग कंप्यूटर फॉर मेडिकल पर्पसेस। आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे, तो आप लोग वहां पे भी कंप्यूटर देखे होंगे। वहां पे क्या काम है? वहां पे हॉस्पिटल का मेडिकल पर्पस के लिए काम होता है। कौन सी दवाई किसको देनी होती है, किस चीज में क्या, किस तरह का इलाज किया जाता है। आपने ऐसा कुछ देखा होगा, आपने आपने कभी ना कभी एक्सरेज के बारे में देखा होगा। तो ऐसी चीजें जब आपने देखा, तो ये सब कैसे बनती है? कंप्यूटर के हेल्प से बनती है। राइट, तो हम लोग कंप्यूटर किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग कंप्यूटर मेडिकल के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने बुक की तरफ। हम लोग अपने बुक के तरफ चलते हैं। हम लोग बुक को पढ़ के देखते हैं कि हमारी बुक क्या बता रही है, हमारी बुक क्या बता रही है कि कंप्यूटर किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, हमारे लेसन का क्या नाम है? हमारे लेसन का नाम है वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर। वेरियस का मतलब क्या होता है? ढेर सारे। ठीक है,
तो वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो हम लोग अभी क्या जानने वाले हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है सबसे पहले, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी वर्क्स, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी वर्क्स, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर जो है बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इनमें से कुछ हम लोग नीचे अभी पढ़ने वाले हैं, ओके। तो अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहला हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, कैलकुलेटर का देखा था। तो हम लोग इसको देखते हैं, कंप्यूटर यूज इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। हाँ हम लोग करते हैं, हम लोगों ने देखा है ऊपर, कंप्यूटर कैलकुलेशन में भी यूज किया जाता है, ओके। तो हम लोग देखते हैं, द कंप्यूटर कैन बी यूज इन ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन, कंप्यूटर हर तरह के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग कंप्यूटर कंप्यूटर को एज ए कैलकुलेटर भी तो यूज करते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर को बहुत तरह के कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं, इन प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट। अच्छा आप लोगों को, आप लोगों ने कभी अपना रिजल्ट देखा होगा, तो क्या वो रिजल्ट हाथों से बनाया जाता है, नहीं, वो रिजल्ट कंप्यूटर से ही बना के प्रिंट किया जाता है। तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस की यूज की जाती है, कहाँ कहाँ कैलकुलेशन यूज होता है, अगर मुझे आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करना है तो हम लोग उसके लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे, क्यों, अगर हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक ही बार आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क डालते हैं और कंप्यूटर हमें उसको ऐड करके दे देता है, ठीक है। इन कैलकुलेटिंग सैलरीज एंड पेंशन एक्सेट्रा। अब आप लोग कहीं पे भी जॉब करोगे फ्यूचर में, या आपके पापा जहां भी जॉब करते हैं, तो वहां पे एक लोग तो जॉब करते नहीं है, वहां पे ढेर सारे लोग जॉब करते हैं। तो जब ढेर सारे लोग जॉब करते हैं तो उनकी बहुत सारी चीजें, सैलरीज हो गई, उनके पेंशंस हो गए, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग कंप्यूटर का दूसरा यूज क्या कर सकते हैं, दूसरा यूज कहीं पे भी अगर कोई जॉब किसी भी कंपनी में या कहीं भी किसी ऑफिस में लोगों की सैलरीज को, लोगों की पेंशन को कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। और अगला यूज क्या है कंप्यूटर का, इन प्रिपेयरिंग बिल्स ऑफ सोल्ड थिंग्स, किसके लिए, इन प्रिपेयरिंग बिल्स ऑफ सोल्ड थिंग्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड कंसेशंस। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, अगर हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं तो क्या हम लोगों को बिल देते हैं तो क्या हम उसमें कुछ डिस्काउंट नहीं कराते हैं, ऑब्वियसली हम लोग कराते हैं, ठीक है, हम लोग डिस्काउंट कराते हैं ना, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, छूट पाना, या कंसेशन का मतलब भी वही होता है, छूट पाना, ठीक है। आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और उसमें आप थोड़ी सी छूट करवाते हैं दुकानदारों से, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंसेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसेशन कहेंगे, ठीक है, कंसेशन कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुकानदार कंप्यूटर का किस लिए यूज करते हैं, जो भी सामान उन्होंने बेचा है उनका बिल बनाने के लिए और उसमें डिस्काउंट करने के लिए, कंसेशन करने के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग को अगर कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है तो उसमें हम लोग कंप्यूटर यूज कर लेते हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं, कीपिंग अकाउंट ऑफ होम एक्सपेंसेस। अब एक बात बताइए, आप लोगों के घर में मम्मी पापा कुछ भी खर्च करते हैं तो वो लोग कैलकुलेट करते हैं ना हमने कितना खर्च किया है, या आप भी खर्च करते हो तो फिंगर्स पे कैलकुलेट करते हो, राइट। तो आप कुछ भी अगर खरीदते हो, कुछ भी आप एक्सपेंसेस करते हो, आप किसी भी तरह का खर्च करते हो, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरह का खर्च करते हो तो आप उसको याद रखना चाहोगे, और आप ये समझो चलो एक दिन का आपका खर्च है आपने याद कर लिया, ठीक है, दूसरे दिन का खर्च है आपको ये भी याद रह जाएगा, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि आप पूरे हफ्ते का या पूरे महीने के किए गए सारे खर्च को याद कर पाओ, नहीं ना। और अगर हम लोगों ने पेपर पे लिख लिया या कॉपी पे कहीं लिख के रख लिया तो उसे हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है, लेकिन अभी के टाइम में आपके हाथ में क्या है, एक कंप्यूटर है, फोन भी एक टाइप का कंप्यूटर है, तो क्या है, कंप्यूटर है। अगर हम लोग चाहें तो उस चीजों, उन चीजों को हम लोग अपने फोन में भी तो लिख के रख सकते हैं,
ठीक है। और हम लोग इन चीजों के अकाउंट्स को भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, हम लोगों ने कितना खर्च किया, हमारे पास क्या इनकम आए, इन चीजों को अगर हम लोग मैनेज कर पाते हैं अपने फोन पे, तो वो भी कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो कंप्यूटर के कैलकुलेशंस को हम लोग फिर से एक बार बोल लेते हैं, प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहला क्या है, प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट। दूसरा क्या है, कैलकुलेटिंग सैलरीज एंड पेंशन एक्सेट्रा। इन तीसरा कौन सा है, इन प्रिपेयरिंग बिल ऑफ सोल्ड थिंग अमाउंट डिस्काउंट एंड कंसेशंस। और उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है, कीपिंग अकाउंट ऑफ होम एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, हम लोगों को आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, अभी अगला काम जानते हैं हम लोग कंप्यूटर का क्या है, ड्रॉइंग पिक्चर्स। आप में से कितने भी किन किन लोगों ने कंप्यूटर लैब में बैठ के कंप्यूटर पे पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, एमएस पेंट आप लोगों ने यूज किया है, हम लोगों ने बहुत चीजें बनाई है एमएस पेंट पे, कभी घर बनाया है, कभी पहाड़ बनाया है, ऐसी बहुत सारी चीजें की है हम लोगों ने एमएस पेंट पे। ठीक है, तो एमएस पेंट कहाँ चलता है, कंप्यूटर में चलता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी टाइप्स ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर्स को बहुत टाइप के पिक्चर्स को बनाने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आगे, इन ड्रॉइंग स्केचेस। स्केचेस क्या होता है, अगर किसी का भी चेहरा या किसी भी चीज को अगर हम लोग अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो वो स्केच हो जाता है, स्केच हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग पेंसिल से जैसे कॉपी पे कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग एमएस पेंट पे ड्रॉइंग करते हैं, हाँ हम लोग एमएस पेंट पे स्केचिंग भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एमएस पेंट पे स्केचिंग करते हैं। तो उसके बाद और हम लोग क्या करते हैं, इन प्रिपेयरिंग कलर पिक्चर। हम लोग कंप्यूटर पे कलर पिक्चर करते हैं ना, अगर हम लोग, अगर आपने पेंट यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग जो भी चीज ड्रॉ करते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पेंट भी करते हैं, है ना। तो हम लोग कलर पिक्चर्स को भी बनाते हैं। ठीक है, इन मेकिंग कार्टून्स एंड एनिमेशन फिल्म्स। अगर आप एक बात बताइए, आप लोग, आप में से कितने बच्चे कार्टून्स देखते हैं, ऑलमोस्ट सभी देखते होंगे। तो जो आप लोग कार्टून्स देखते हैं वो कैसे बनता है, वैसे कार्टून्स भी तो कंप्यूटर से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में तो कोई कार्टून एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए हम लोग कार्टून्स को भी कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर से बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कंप्यूटर का यूज में और क्या आता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना क्या यूज होता है, राइटिंग लेटर्स। हम लोग कंप्यूटर को लेटर्स लिखने में हेल्प लेते हैं, हम लोग कंप्यूटर्स का हेल्प किस में लेते हैं, लेटर्स लिखने में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपको टाइप किया हुआ कुछ भी पेपर पे लेटर मिल रहा होगा, या ज्यादातर ऑफिस की चीजें जो भी होती है उन्हें हम लोग लेटर्स के फॉर्म में टाइप करके देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं, यूजिंग द कंप्यूटर वी कैन प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स एक्सेट्रा। अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने आप में से कितने लोगों ने शादी की कार्ड्स देखी है, सभी ने देखी होगी किसी न किसी तरह से। तो जो शादी की कार्ड्स आप लोग देखते हो, क्या वो हाथ से लिखा हुआ होता है, नहीं, वो पूरा कंप्यूटर से टाइप किया हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या लेटर्स लिख सकते हैं कंप्यूटर से, हम लोग ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, जैसे शादी की कार्ड्स हमने देखी और भी चीजें देखी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रीटिंग कार्ड्स देखा, अगर हम लोग किसी को ग्रीट करते हैं तो हम लोग ग्रीटिंग कार्ड्स भी कंप्यूटर से बना सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, इनविटेशन कार्ड्स, जो मैंने अभी तुरंत बताया, अगर आप किसी भी शादी के कार्ड को देखोगे, हम लोग शादी के कार्ड को या किसी भी आमंत्रण के कार्ड को क्या कहते हैं, इनविटेशन कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो शादी के कार्ड्स को देखते हैं वो इनविटेशन कार्ड्स कैसे प्रिंट किए जाते हैं, कंप्यूटर्स की मदद से प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं हेल्प इन मेनी वर्क्स, कंप्यूटर जो है हमें और भी ढेर सारे कामों में हेल्प करता है, जैसे कि हम लोग नीचे अभी देखने वाले हैं, कंप्यूटर्स हेल्प अस इन डूइंग मेनी टाइप्स ऑफ वर्क इजीली एंड इन बेटर वे। ठीक है, अगर हम लोग देखें सही से तो कंप्यूटर हम लोग को हेल्प करता है क्या करने में, बहुत सारे कामों को करने में, और कैसे, काफी आसानी से हम लोग उन कामों को कर सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम एक बात कहते हैं, अगर हम कुछ चीजों को ऐड करें, बड़ी बड़ी नंबर्स को ऐड करें, तो हमसे गलतियां हो सकती है,
है ना। लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर्स को यूज करें, कैलकुलेटर्स को यूज करें किसी भी चीजों को, किसी भी नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो क्या गलतियां होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, हम लोग जो भी ऐड करेंगे एकदम सही आएगा। तो हम लोग कई बार गलतियां करने से बच सकते हैं कंप्यूटर के यूज से। ठीक है, और हम लोग काफी तेजी में कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या हो अगर मैंने आपको 10 डिजिट का 2 नंबर बोला दिया और बोला कि इनको ऐड करके दिखाओ, आपको टाइम लगेगा। लेकिन क्या हो अगर हम इन चीजों को कैलकुलेटर पे करें, आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके कैलकुलेशन को आने में, आपके किए गए कैलकुलेशन को आने में। ठीक है, तो हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं, हम लोग और कहाँ कहाँ कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ठीक है, इन प्रिपेयरिंग टाइम टेबल, एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी के पास आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड में आपका डिटेल्स है, आपका नेम है, मम्मी का नेम, पापा का नेम, एवरीथिंग, जो भी आपकी डिटेल्स है वो कहाँ है? आपके आई कार्ड में है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी मार्कशीट देखी है, मार्कशीट में आपकी डिटेल्स रहती है, आपकी मार्क्स रहती है ना। उसके बाद आपके रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास कैसे रहते हैं, स्कूल के पास आपकी ये रिकॉर्ड्स कैसे रहती है? तो हम लोग इन चीजों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। कोई भी स्कूल आपकी रिकॉर्ड को कंप्यूटर में स्टोर करके रखती है। फिर जैसे ही आपकी आईडी कार्ड प्रिंट करनी है, मैंने जस्ट आपका सीधा खोल लिया, आपके पेजेस को खोल लिया और उसमें से स्कूल आपकी देख लेगी। स्कूल में जो भी आपके आई कार्ड्स बनाने होते हैं वो आपके कंप्यूटर्स की मदद से देख के बना लिए जाते हैं, रिकॉर्ड्स को देख के। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल में भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट, टेस्टिंग देयर डिजीज एंड डूइंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, क्या कह रहा है? इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, टेस्टिंग देयर डिजीजेस एंड डूइंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स। हम लोग पेशेंट का भी रिकॉर्ड रखा जाता है हॉस्पिटल में। अगर कोई पेशेंट आता है, और एक अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जब जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, 100, 200, 300, ढेर सारे पेशेंट होते हैं। ठीक है, तो उन पेशेंट का रिकॉर्ड रखना इतना ईजी तो होता नहीं है, तो उन पेशेंट का रिकॉर्ड भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो बहुत सारी जो टेस्टिंग होती है किसके थ्रू होती है? कंप्यूटर के थ्रू होती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिजीजेस की, काफ़ी सारे बीमारियों की टेस्टिंग हम लोग कंप्यूटर से करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? हम लोग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी डिसीज का कोई भी क्योर अगर डॉक्टर करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर्स का एक क्या काम कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में? इलाज में भी काम किया जाता है, राइट। किसी भी पेशेंट का अगर किसी को कोई बीमारी है तो उनको सही तरीके का इलाज देने में भी हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर काम में आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इन मैनेजिंग ट्राफिक इन रेलवेज, एयरलाइंस, डूइंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पैसेंजर एंड ऑल्सो प्रिंटिंग टिकट। अच्छा, आप में से कितने लोग ट्रेन्स में ट्रैवल किए हैं? किया है आप लोगों ने? तो आप लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो आप जब जाते हो रेलवे स्टेशन पे तो आप देखते होगे आपकी टिकट किससे बनाई जाती है? कंप्यूटर से बनाई जाती है ना। तो ये सारी चीजें भी हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है? आरक्षण। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी टिकट की बुकिंग करते हैं तो हम लोग उसको सही वर्ड्स में आरक्षण कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोगों को अपनी सीट बुक करनी होती है तो हम लोग रिजर्वेशन का यूज करते हैं। रिजर्वेशन हम लोग को कैसे मिलती है? हम लोग कंप्यूटर्स के थ्रू करते हैं, और आज के टाइम में हम लोग खुद से भी, अपने फोन से भी रिजर्वेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टिकट लिया है और वहाँ पे जब टिकट की चेकिंग होती है रेलवे स्टेशन पे, तो उनको कैसे पता चलता है कौन से पैसेंजर ने टिकट लिया है, कौन से पैसेंजर ने नहीं लिया है? तो उनके पास भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उनके पास भी रिकॉर्ड सारे इन्हीं कंप्यूटर्स में रखे जाते हैं। और प्रिंटिंग टिकट्स, टिकट को प्रिंट करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इन प्रिपेयरिंग टेलीफोन बिल्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सब्सक्राइबर। आप अगर फोन यूज करते हो या टेलीफोन आपने किसी ने भी यूज किया होगा तो आपके घर पे बिल आया होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं, जो बिल्स यूज किए जा क्रिएट किए जाते हैं, तो अगर एक एक इंसान का एक एक मिनट का बिल बनाया जाए तो काफी लंबा टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी कंप्यूटर को ही काम पे लिया जाता है, इसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं।
ताकि ऑटोमेटिकली सारी चीजें हम लोग कर सके, अपने आप ये सारी चीजें की जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। आप लोग इंटरनेट यूज करते हो ना, आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आप अभी भी इंटरनेट का यूज करके अपने स्कूल के लेक्चर्स देख रहे हो, तो हम लोग ये कैसे कर पा रहे हैं, ये एक कंप्यूटर पे यहाँ से वीडियोस डाला जा रहा है और आपके पास पहुंच रही है, राइट। तो जो भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर के थ्रू शेयर की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। जो भी चीजें हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कहीं भी शेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। और ईमेल्स भेजना और ईमेल्स को रिसीव करना, ये दोनों काम भी हम लोग किससे करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं, राइट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एंटरटेनमेंट। हम लोग कंप्यूटर का और कहाँ यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, आप सभी ने कभी ना कभी यूट्यूब पे कार्टून्स तो देखे ही होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एंटरटेनमेंट है। तो हम लोग अगर कंप्यूटर पे कार्टून्स देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो वो सब क्या है, एंटरटेनमेंट का है। तो इसको पढ़ के देखते हैं, कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज्ड इन एंटरटेनमेंट वर्क, ठीक है। कंप्यूटर एंटरटेनमेंट वर्क में भी यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन प्लेइंग मेनी टाइप्स ऑफ वीडियो, सॉरी इन प्लेइंग मेनी टाइप ऑफ वीडियो गेम्स। आप लोग मोबाइल पे गेम्स खेलते हो, तो जो वीडियो गेम्स आप लोग खेलते हो वो भी हम लोग कंप्यूटर पे खेल सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, इन कंपोजिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है, इन कंपोजिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग इट, ठीक है। तो हम लोग म्यूजिक को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं फोन में, अगर आपको अच्छे से गाना आता है या आप गाना गाना चाहते हो तो आप अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर सकते हो, है ना। और हम लोग अपने फोन में गाना सुनते भी हैं, राइट। तो अगर हम लोग ऐसी चीजें कंप्यूटर पे करते हैं तो ये भी हम लोग एक एग्जांपल है हम लोगों के लिए कंप्यूटर का यूज का, ठीक है। इन फिल्म मेकिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, और जो भी मूवीज बनाई जाती है उसमें भी कंप्यूटर का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, बहुत सारा काम होता है कंप्यूटर का, राइट। तो हम लोग इसमें भी फिल्म मेकिंग में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आज का आपका एक होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है, आप लोगों को क्या कह रहा है होमवर्क में, राइट नेम ऑफ, क्या है होमवर्क में, राइट नेम ऑफ 10 प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड कंप्यूटर। आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको ऐसे 10 जगहों के नाम लिखने हैं जहां पे आप कंप्यूटर को देख सकते हो, जहां पे आपको कंप्यूटर दिखाई देती है, ठीक है। तो आप इस होमवर्क को कर लीजिएगा, आप उस पे आपके वेबसाइट पे जैसे अपलोड किया जाता है आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। और मैंने पिछली बार जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने पूरा करके नहीं दिया है, आप सभी अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को होमवर्क करना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग होमवर्क करके देंगे पक्का, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और कल हम लोग इसी एक्सरसाइज के सारे के सारे इसी चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपने कॉपीज को रेडी रखिएगा, ठीक है। हम लोग सारे के सारे एक्सरसाइजेस को कल करेंगे, ठीक है। बाय।